नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। केंद्र की भाजपा सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस पार्टी के दिशा निर्देशानुसार पूर्व विधायकों और कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय में विरोध जताते हुए सत्याग्रह धरना किया। कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायकों और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को सेना एवं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। अग्निपथ योजना को रद्द करवाने के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम CTM को ज्ञापन सौंपा। पूर्व विधायकों ने कहा कि जब तक अग्निपथ योजना वापस नहीं हो जाती, विरोध धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक जारी रहेगा। सत्याग्रह के दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने युवाओं से कहा, सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाकर वो शांतिपूर्वक भाजपा की अग्निपथ योजना का विरोध करें। लघु सचिवालय में युवा मोर्चा की ओर से धरना देकर अग्निपथ योजना का लगातार विरोध किया जा रहा है। चरखी दादरी से हमारे संवाददाता विकास ओहल्यान की रिपोर्ट। अग्निपथ योजना जो मौजूदा सरकार ने लागू की है, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड है कि ये योजना वापस लेनी चाहिए। ना तो ये आर्मी के हक में है और ना जवानों के हक में। इसमें यही है कि भाई आप इसको वापस ले, इस योजना को वापस ले, ये तो जब तक वो वापस नहीं लेंगे तब तो चलेगा। भारत सरकार जो अग्निपथ योजना को लेकर के आई है, मैं नहीं, आम आदमी ये समझता है कि शायद इस पर इस सरकार ने होमवर्क नहीं किया और इस सरकार के जितने मुखिया लोग हैं या जिनका प्रभाव है सरकार में, उनको नहीं मालूम कि एक फौज कैसे एक प्रोफेशनल आर्मी का रूप लेती है, किस तरह का समर्पण होता है, उनकी सेवाएं कैसी होती हैं। इसलिए आप एक और चीज़ों में कोई योजना ले आओ, वो देश का नुकसान नहीं है, लेकिन आर्मी को कमज़ोर करना किसी एक योजना को ला करके उसका जो प्रोफेशनल करेक्टर है उसमें तब्दीली करना, ये देश की सुरक्षा से खिलवाड़ है। इसलिए विरोध हो रहा है और आम आदमी जो धरना प्रदर्शन नहीं भी आ रहे हैं, मैं तो गांव में भी इन दिनों गया हूँ, चौतरफा विरोध है। और हमें उम्मीद है कि प्रतिष्ठा का सवाल ना बनाए भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वो जन भावना की कदर करे और इस देश की सुरक्षा की और इसकी देश की सुरक्षा करने वाले आर्मी प्रोफेशनल की दक्षता के साथ खिलवाड़ ना करें और इस योजना को वापस लेने का कष्ट। देखो, आज ये धरना प्रदर्शन जिस दिन से योजना लागू हुई थी उसी दिन से चालू है, आप भी शहर में देख रहे हो, और ये यही नहीं, ये पूरे देश में है। पूरे देश के युवा आक्रोश में हैं। जो समाज के जिम्मेवार लोग हैं, वो चाहे किसान संगठन में जिन्होंने काम किया, चाहे सामाजिक संगठनों में काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को समझा और उन्होंने मार्गदर्शन किया युवाओं का कि वो सार्वजनिक संपत्ति का और देश की संपत्ति का किसी तरह से नुकसान ना करें, क्योंकि आंदोलन की कामयाबी के लिए ये ज़रूरी है कि आंदोलन शांतिपूर्ण हो और आंदोलन अनुशासन प्रिय हो। कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए बधाई की पात्र है, ये प्रमुख विपक्षी दल है जो अग्निपथ योजना के विरोध में खुल करके सामने आई है, उनका धन्यवाद। अब ज्ञापन सौंप रहे हैं, मतलब उसका विरोध दर्ज करवा रहे हैं, उसका धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।